Three. Hello, my dear students. How are you all? A very good afternoon to all of you. Hi, Aditya. Hi, Shadha. Yes, let's begin. Today's session is very, very, very interesting because we are going to we are going to finish. We are going to cover a few very interesting chapters: Venn diagram and statement and assumptions. Okay. Ooh. Now, what is meant by Venn diagram? Okay. Now, Venn diagram. टेशन ऑफ आइटम्स हमारे पास थ्री आइटम्स थ्री थिंग्स है, है. और, और इन तीन चीजों के बीच का जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ हमें क्या करना है वी हैव टू बिल्ड अ प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन दैम एंड है शंस गोइंग ऑन सो वंस वेन वी गो लाइव वी हैव टू एक चैनल पर हम एक ही बार लाइव जा सकते उस टाइम के लिए ओके यस ओके लेट कम बैक अब अब जब हम बात करते हैं अलग अलग चीजों की जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ हैव थ्री आइटम्स और इन तीन चीजों के तीन आइटम्स के बीच में अगर हमको रिलेशनशिप बनाना है तो इस रिलेशनशिप को किस प्रकार से डिपिक करना ओके दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम इट इज डन विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम ओके सो अब तीन चीजें हैं तो हर चीज के लिए एक सर्कल होता है वन सर्कल वन थिंग ओके देन दीज सर्कल्स आर विद द हेल्प ऑफ ऑफ प्रेजेंटेशन दीज सर्कल्स वी कैन डू वॉट वी कैन फाइंड आउट रिलेशनशिप ओके यस सो वन वन सर्कल थिंग. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. यस, नाउ कंप्लीटली रिलेटेड एग्जांपल, वी हैव टू आइटम्स. अगर अपने पास दो आइटम्स हो ओके यस एंड अगर हमको इन दो आइटम्स को क्या करना है और अगर हमें इन दो आइटम्स को

जाएगा इफ इफ एट ऑल दे आर रिलेटेड टू सम एक्सटेंट समली रिलेटेड हो कंप्लीटली रिलेटेड नहीं है पार्शली रिलेटेड है मतलब उन दोनों के बीच में बस कुछ चीजें ही कॉमन है बस कुछ चीजें ही कॉमन है तो ये हम किस प्रकार से देखेंगे से आर आर टू टू आइटम्स सर्कल्स तो वो सर्कल्स क्या होंगे इंटरसेक्ट हो जाएंगे इफ टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर जो भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट है दैट इज नोन एज

थिंग टू डू विथ ई अदर इसलिए तो इनके लिए तीन डिफरेंट सर्कल्स बनाएंगे अब अगर हम इनको एक दूसरे के अंतर ले ले तो कम्प्लीटली रिलेटेड हो जाएगा पर वो ऐसा तो है नहीं करेक्ट एंड yes? दूसरा क्या है एंड दूसरा क्या है इफ एट ऑल हमने एक दूसरे का इंटरसेक्शन किया इन दोनों का इंटरसेक्ट किया दोनों सर्कल्स को तो क्या हो जाएगा कॉमन पोर्शन आ जाएगा राइट विच इज ऑल्सो नॉट करेक्ट इसलिए हम उनको किस प्रकार से डिपिक करेंगे थ्री डिफरेंट सर्कल्स ओके यस लेट्स गो एट फर्दर थ्री वर्ड्स आर रिलेटेड ओके तीनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है फॉर एग्जाम्पल यूनिट हंड्रेड अब याद करो यूनिट हंड्रेड कब एप्लीकेबल होते हैं टाइम okay, जब हम नंबर्स लिखते हैं okay? हम है, तो हमने क्या देखा है देर आर यूनिट एंड हंड्रेड राइट ओके सो दीज यूनिट्स टेन्स हंड्रेड पहले क्या आता है यूनिट्स फिर क्या आता है

Then it will be tens and then will be units. Okay. Yes. Let's go ahead further. Okay. Two different ways related to third item. Two different items related to third item. matlab kya? Means what? Pen, pencil, stationary. Okay. Ab agar hum log dekhe. Pen, pencil. do alag, -alag hai. But these are all stationary. These are all stationary. करेक्ट ओके सो स्टेशनरी स्टेशनरी इज़ इज़ द कॉमन पॉइंट पेंसिल और पेन दोनों में स्टेशनरी कॉमन पॉइंट है बराबर है अब स्टेशनरी में क्या सिर्फ पेंसिल और पेन आते हैं सो टेल मी आर दे कंप्लीटली रिलेटेड कम ऑन सी अंडरस्टैंड ऑल पेन आर स्टेशनरी ऑल पेंसिल्स आर स्टेशनरी मतलब अगर हम सिर्फ पेन की बात करें पेन और स्टेशनरी कंप्लीटली रिलेटेड पेंसिल और स्टेशनरी कंप्लीटली रिलेटेड इन तीनों में फिर हम बात करते हैं अभी स्टेशनरी का तो डिसाइड हो गया पोजिशन अब देखते हैं पेन और पेंसिल अब पेन और पेंसिल दोनों स्टेशनरी से कंप्लीटली रिलेटेड है इसलिए इनका सर्कल क्या आएगा स्टेशनरी के सर्कल के अंदर आएगा ओके ठीक है अब हमको अंदर ड्रॉ करना है अब पेन और पेंसिल के जो दो सर्कल्स हम लोग स्टेशनरी के अंदर ड्रॉ करेंगे अब मुझे बताओ क्या पेन और पेंसिल का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन है बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है राइट दे आर डिफरेंट आइटम्स टू डिफरेंट आइटम्स करेक्ट इसलिए उनके टू डिफरेंट सर्कल्स हम लोग ड्रॉ करेंगे सो दिस विल बी हाउ इट विल बी रिप्रेजेंटेड स्टेशनरी विल बी ऑन दूटर एंड एंड पेन एंड पेंसिल विल बी विद इन ओके यस नेक्स्ट यस टू आइटम्स आर रिलेटेड and these two items are completely related okay if two items are related chalo let's understand this with the help of an example women sisters mothers see women sisters mothers ab women sister mother mein sabse bada kon hai who's the boss come on tell me women theek hai it's a broad category sisters sisters women ke andar aate hain so in dono ke beech mein women is the boss mothers aur women ke beech mein who's the boss women so women is going to be the आउटर पार्ट अब देखो इन तीनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या पहले ये समझो ये समझो वुमेन सिस्टर्स मदर्स इन इन सब के साथ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ रिलेशन है इसलिए हमने क्या किया पहले इनमें कौन बॉस है वो डिसाइड कर दिया सो सो वुमेन इज द बॉस उसका सर्कल क्या आएगा outer end में आएगा आउटर एंड में अब देखते हैं मदर्स और सिस्टर्स के बारे में ओके ये सारे दे आर ऑल वुमेन इसलिए इनके सर्कल्स आने वाले हैं वुमेन के सर्कल के अंदर चलो तय रहा अब आगे देखते हैं ओके अब सिस्टर्स एंड मदर्स ओके okay. अब कोई बहने ऐसी होती हैं जिनकी शादी हो गई हो कि कोई ऐसी होती है जिनकी शादी नहीं हुई कोई ऐसी होती है जिनकी शादी हो गई पर अभी तक बच्चा नहीं हुआ कोई ऐसी बहनें होती है जिनकी शादी भी हुई है और उनके बच्चे भी हैं राइट सो देर आर देर आर सिस्टर्स हु आर मदर्स एंड हु आर नॉट मदर्स ऑल्सो बराबर है कि नहीं देर आर सिस्टर्स स जिनकी शादी होके बच्चे भी हो गए हैं और कुछ ऐसी हुई है जिनकी शादी नहीं हुई है जिनके बच्चे ही नहीं है अंडरस्टैंड सो सिस्टर्स और मदर्स के बीच में कम्प्लीट रिलेशन है कि पार्शल रिलेशन है पार्शल रिलेशन है और अगर पार्शल रिलेशन है वॉट डिस मीन दैट दीज टू सर्कल्स विल इंटरसेक्ट इच अदर ओके अब अब अगर आप रिवर्स देखो मदर्स और सिस्टर्स के देखो ओके तो मदर्स एंड सिस्टर्स राइट सारी माई जरूरी नहीं है कि यू नो योर मदर कैन बी अ सोल्ड चाइल्ड ऑफ दया पेरेंट मतलब आपकी मम्मी को कोई भाई नहीं कोई बहन नहीं ऐसा भी तो हो सकता है बराबर है ना और ऐसा भी हो सकता है कि आपके मम्मी को क्या है भाई बहन है तो वो सिस्टर बन गए राइट सो सिस्टर्स सो मदर्स कैन बी सिस्टर्स कैन नॉट बी सिस्टर्स इसलिए उनमें क्या है कम्प्लीट रिलेशनशिप नहीं है पार्शल रिलेशनशिप है अब इन तीनों में बॉस कौन है विमेन और इसके अंदर आएगा सिस्टर्स और मदर्स अब इन दोनों में कोई पार्शियल रिलेशनशिप है है इसलिए हम इन दोनों का सर्कल्स क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स ओके यस अब चलते हैं आगे स्टूडेंट्स बॉयज गर्ल्स स्टूडेंट्स बॉयज गर्ल्स अब बताओ ये किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करोगे सी स्टूडेंट्स बॉयज गर्ल्स अब देखो स्टूडेंट्स में क्या होता है देर आर बॉयज ऑल्सो एंड देर आर ओके दिख रही स्टूडेंट्स में क्या होता है देर आर बॉयज ऑल्सो एंड देर आर गर्ल्स ऑल्सो करेक्ट करेक्ट ब्रॉड कैटेगरी क्या है स्टूडेंट्स बराबर है अब स्टूडेंट्स में कुछ होते हैं कुछ आर बॉयज एंड कुछ आर गर्ल्स ओके अब मुझे बताओ क्या गर्ल्स और रिलेशनशिप है नहीं देर कैन बी गर्ल्स देर कैन बी बॉयज बराबर है द स्टूडेंट्स और बॉयज और गर्ल्स इंटरसेक्टिंग विद स्टूडेंट अब चलते हैं आगे यस नेक्स्ट वेरी 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 इंटरेस्टिंग बॉयज स्टूडेंट्स एथलीट्स बॉयज स्टूडेंट्स एथलीट्स अब इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है ओके okay. स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो बॉयज है जो गर्ल्स है राइट right. तो बॉयज और स्टूडेंट्स के बीच में कंप्लीट रिलेशनशिप नहीं है बट पार्शल रिलेशनशिप है मतलब स्टूडेंट्स और बॉयज एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे आगे स्टूडेंट्स एंड एथलीट्स अब कुछ एथलीट्स मतलब कौन जो रनिंग रेस में नो? जो रिले रेस पढ़ते भागते हैं हंड्रेड मीटर रेस करते हैं जो गुड इन रनिंग अब स्टूडेंट्स एंड एथलीट्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एथलीट होते हैं कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एथलीट नहीं होते मतलब स्टूडेंट्स और एथलीट्स के बीच में भी कनेक्शन है वो भी पार्शल कनेक्शन है इसलिए उनको दोनों का भी इंटरसेक्ट करेंगे ओके सो बॉयज एंड स्टूडेंट्स इंटरसेक्ट स्टूडेंट्स एंड एथलीट्स इंटरसेक्ट अब बॉयज एंड एथलीट्स के बीच में देखते हैं ऐसे कुछ बॉयज हो सकते हैं जो एथलीट है ऐसे कुछ बॉयज हो सकते हैं जो एथलीट नहीं है मतलब इन शॉर्ट सारे कॉम्बिनेशन में पार्शियल रिलेशनशिप है मतलब सारे सर्कल्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे ओके okay? सो so, अगर ये तीनों सर्कल्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे ओके okay? फिर हमने ये वेन डायग्राम ड्रॉ किया अब इस वेन डायग्राम में अगर आप लोग अच्छे से ठीक से देखोगे देन यू विल रियलाइज कि ये वाला जो पोर्शन है ना जहां पे तीनों सर्कल्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है ना ओके ऑल द थ्री सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग अदर, व्हाट डस दिस पोर्शन कॉमन इंटरसेक्टेड पोर्शन सेज कि दीज आर बॉयज ओके एंड दीज आर स्टूडेंट्स एंड दे आर ऑल्सो एथलीट्स अंडरस्टैंडिंग ओके यस लेट्स गो अहेड फर्दर लायने लायंस कार्निवरस काउस अब यहाँ पे क्या होता है लायस कार्निवर अगर आप देखोगे तो लायन इज एन एनिमल कार्निवरस एनिमल ओके अब कार्निवरस एनिमल 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 लायन भी एनिमल कार्निवरस भी एनिमल बराबर है अब लायन और कार्निवरस में क्या रिलेशनशिप है कि लायन्स आर कार्निवरस एनिमल्स ओके बट आर ऑल कार्निवरस एनिमल्स ओनली लायस नो अलग अलग प्रकार के कार्निवरस एनिमल्स होते हैं बराबर है बट सारे लायन्स कार्निवरस होते हैं करेक्ट मतलब लायन इज कंप्लीटली रिलेटेड टू बराबर है एंड हु इज द द द बॉस बॉस इज सो विल बी सर्कल उसके अंदर आएगा lion. अब अगर काउज हम लोग देखें तो काउ ना ही लाइन से रिलेटेड है और काउ इज अ अर्बीवरस एनिमल ओके मतलब वो मीट इट डज नॉट फीड ऑन मीट राइट सो इट इज नॉट इवन कार्निवर्स सो इट्स इट एप्सोल्यूटलीटेड आइटम इन दोनों के बीच में कंप्लीट रिलेशनशिप है और इसका अनरटेड आइटम है ओके यस सो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा कार्निवरस एनिमल्स के बीच में आएंगे लायंस एंड काउस एब्सोल्युटली अनरिलेटेड ओके यस लेट्स गो हेड फर्दर यस गाइस आर यू एंजॉयिंग द सेशन ओके नेक्स्ट डॉग्स एनिमल्स फ्लैश ईटर्स डॉग्स एनिमल्स फ्लैश ईटर्स अब मुझे बताओ डॉग्स फ्यू डॉग्स आर सी डॉग्स एंड एनिमल्स अगर आप देखो तो ऑल डॉग्स आर एनिमल्स करेक्ट करेक्ट बट अब एनिमल की बात करते हैं तो क्या सिर्फ डॉग्स के बारे में बात करते हैं नो सो हियर ऑल डॉग्स आर एनिमल्स राइट बट ऑल एनिमल्स आर नॉट डॉग्स राइट सो हु इज़ द बॉस हियर एनिमल इज द बॉस सो एनिमल आउटर सर्कल एंड कंप्लीट रिलेशनशिप है इसके डॉग का सर्कल अंदर आएगा अब फ्लैश ईटर्स की अगर आप बात करते हो ओके इफ यू आर स्पीकिंग अबाउट फ्लैश ईटर्स तो आप मुझे बताओ क्या ऑल एनिमल्स आर फ्लैश ईटर्स नो क्या ऑल डॉग्स आर फ्लैश ईटर्स नो कुछ फ्लैश ईटर्स होते हैं और कुछ नहीं होते राइट right. इसका मतलब क्या है डॉग्स और एनिमल्स के बीच में कंप्लीट रिलेशनशिप है फ्लैश ईटर्स और एनिमल्स के बीच में द द बॉस बॉस कम ऑन एनिमल्स इज द बॉस तो इस प्रकार से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ओके okay. की कार्निवोरस एनिमल्स मतलब क्या ओके सो दिस शुड बी दिस शुड बी एक्चुअली कार्निवोरस लिखा है इट इज नथिंग बट अ फ्लैश ईटर क्या बोला गया है अब एनिमल्स का एनिमल्स तो इज द बॉस इनके बीच में क्या है डॉग्स है बराबर है अब फ्लैश ईटर्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है दे आर डॉग्स ऑल्सो एंड दे आर एनिमल्स ऑल्सो इसलिए दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए हमारा थर्ड सर्कल फ्लैश ईटर्स का जाएगा ओके यस लेट्स गो हेड फॉर्दर डॉग्स फ्लैश ईटर्स Cows, again very simple. Dogs, flesh eaters, kuch uh, dogs flesh eaters hota hai, ye wale dogs hai, wo flesh eaters hai. And cows are absolutely not related. Okay, yes, let's go ahead further with the examples from your, given the, uh, from your PDF. Okay, 343, example, sorry, example 363. Kya diya hai Which of the following correctly shows the relationship between tea, coffee, beverages? Tea,

बेवरेज़ इज द मतलब बेवरेज इज गुड बी द सर्कल इन द आउटस्कर्ट ओके देन टी और कॉफी उसके अंदर आएगा अब टी और कॉफी के बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या नहीं सो दे कंप्लीटली अनरिलेटेड टू सेपरेट सर्कल बताओ विच वुड बी दी आंसर कम ऑन यस माइ डियर स्टूडेंट मी वॉट वुड बी आंसर येस आदित्य कविता श्रद्धा tell me very good yes so which is the answer c will be the answer okay you are not able to see the answers here i'll just tick them for you it's just uh, cut out on the screen okay yes so c is the answer yes let's go ahead further dogs pets and animals dogs pets एंड एनिमल्स ओके तो अब बताओ चलो इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप आएगा थोड़ा सोचो फिर देखते हैं पेट्स? नो, मतलब इनके बीच में क्या है पार्शल रिलेशनशिप पेट्स एंड एनिमल्स अब बताओ मुझे पेट्स एंड एनिमल्स में क्या होता है एंड डॉग्स एंड एनिमल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है

इनर सर्कल में कौन आएगा डॉग्स भी आएगा पेट्स भी आएगा अब डॉग्स और पेट्स के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है पार्शल तो वो क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे सो विल विल बी 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 योर आंसर आंसर ओके पे आउटर सर्कल में क्या आएगा एनिमल्स और अंदर आएंगे डॉग्स एंड पेट्स ओके लेट्स गो विद द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ वेन डायग्राम बिकॉज मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले चुके हूँ आगे यस शार्क व्हेल एंड सी टर्कल शार्क व्हेल And sea turtle. Chalo batao. Chello batao. Shark, whale, and sea turtle. These are all kinds of what? These are all aquatic animals. Kind keep relationship. Shark alaagh, whale alagh, sea turtle alage, right? So these are all different aquatic animals. He says they are not, uh, not, not at all related to each other. So what will be the answer? Three different circles will be the answer. D will be the answer.

एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो जाती है एक अजम्पन यू नो अपने माइंड में होता है कि मैम इज नॉट लाइव एट टू राइट तो और एक अजम्शन अपने दिमाग में क्या आता है कि शायद और कहीं भी स्ट्रीमिंग चल रहा रहेगा अंडरस्टैंडिंग ओके येस बिकॉज दिस इज सो मच ऑफ ऑनलाइन ट्राफिक राइट नाउ राइट पूरा दुनिया ही ऑनलाइन हो गया ऐसा लगता है मुझे राइट सो हम जब कोई स्टेटमेंट बनाते हैं तो उससे जो उभर कर आता है ओके okay. उससे जो उभर कर आता है उसे कहा जाता है असम्शन लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स नाउ कम टू एग्जांपल ओके एग्जांपल नंबर फोर सेवेंटी टू ऑफ द पीडीएफ नाउ ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज़ नो बॉय इज डल ओके ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज नो बॉय इज डल क्या कहा है अभी सारे के सारे स्टूडेंट्स बॉयज हैं मतलब गर्ल्स है क्या क्लास में नहीं देर आर नो गर्ल्स नो बॉय इज डल इफ यू सेल ओके अब बॉय मतलब क्या सारे के सारे स्टूडेंट सो नो स्टूडेंट इज डल अगर हम लोग यहां पर कंक्लूजन देखते हैं तो देर आर नो गर्ल्स इन द क्लास क्योंकि ऑल स्टूडेंट आर बॉयज करेक्ट नो स्टूडेंट इज डल सारे के सारे स्टूडेंट बॉयज है और वो कोई भी डल नहीं है इसलिए नो स्टूडेंट इज डल बराबर है मतलब ये दोनों की दोनों जो कंक्लूजन है ओके आर दे सपोर्टिंग योर स्टेटमेंट Are they supporting your statement? Absolutely, yes, they are absolutely supporting our statement. So, so what will be the answer? Come on. Only one follows, only two follows, either one or two follows, neither one or two follows, or both follow. Both are following. Dono ki dono conclusions absolutely correct. Okay, so what will be the answer? Answer will be D. Getting it, my dear students. Okay. Answer will be E. Sorry.

करेक्ट सो ऑल पेन्स आर बोल्स ठीक है ओके okay. अब आगे देखो क्या बोला गया है ऑल पेन्स आर कप्स तो कंक्लूजन वन ऑल पेन्स आर बोल्स इज करेक्ट अब कंक्लूजन टू देखो ऑल कप्स आर पॉट्स यहाँ पे पॉट्स के बारे में कुछ भी हमको रिलेशनशिप दिया है क्या कुछ भी जिक्र दि किया है क्या आर दे स्पीकिंग गिविंग अस पुटिंग लाइट ऑन एनीथिंग रिलेटेड टू पॉट्स नो नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड करेक्ट इसलिए What will be the answer? That only one follows. That is, out of the two conclusion, conclusion one and conclusion two. Safe conclusion one is following our statement. So, what will be the answer? Answer will be A, that only first conclusion follows. Okay? Yes, let's go ahead further. All tigers are birds, some birds are cows. See. All tigers are birds. Saregisari tigers birds hai.

टाइगर्स आर cows. आप मुझे एक बात बोलो अगर हम टाइगर और काउ का रिलेशन देखे तो क्या बोला है सी ऑल टाइगर्स आर बर्ड्स सारे के सारे टाइगर्स हैं बट बर्ड्स आर काउज अब इन बर्ड्स में से कुछ ही काउज हैं. तो ऐसे कोई टाइगर वाले बर्ड हो सकते हैं जो काउ नहीं है बराबर है ना करेक्ट और ऐसे कुछ हो भी सकते हैं कि जो है अंडरस्टैंडिंग ओके okay? तो अभी मतलब कुछ बर्ड्स काउज है इन so बर्ड्स में से कुछ ऐसे भी हो सकते जो टाइगर है सो सम दैट करेक्ट इट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट ओके सो ओके क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है हमको some birds are cows. अगर बराबर है फिर some tigers are cows. ऐसे दिया है अगर आप क्वेश्चन देखोगे स्टेटमेंट देखोगे तो क्या दिया गया है ऑल टाइगर्स आर बर्ड्स सारे के सारे टाइगर्स बर्ड्स हैं और इनमें से कुछ काउज है

was all about yes so this was all about today's session on venn diagram and statements and assumptions i hope you all enjoyed it okay venn diagram is a very important topic why because it is scoring anything that is scoring is absolutely important for us because our main aim is to score maximum marks in cset Okay, see you all very soon. Till then, take care and bye bye. See you all tomorrow. Ah, tomorrow is a Sunday. So, we'll be meeting on Monday. Okay, till then, bye bye.